सो हाई गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर होने वाली है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही ग्राफिक्स कार्ड खरीद सकते हैं सेकंड हैंड मार्केट से, जो कि परफेक्ट वर्किंग होगा। क्योंकि OLX वगैरह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे ग्राफिक्स कार्ड है जो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। मतलब वो प्राइस तो काफ़ी कम करेंगे, मतलब 2000-3000 अगर आपको एक ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, बट जब आप उसे घर पर लाओगे तो वो चलेगा ही नहीं, या उसमें ब्लैक डॉट्स आने लगेंगे, या फिर स्टटर करने पड़े करने लगेगी आपकी डिस्प्ले, तो काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है, सारे आपके पैसे हो जाते हैं बर्बाद। तो आपको ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके ग्राफिक कार्ड आप चेक कर सकते हो, आप ग्राफिक कार्ड कैसी कंडीशन में है, या वो कितने साल रखा हुआ है, या बिल्कुल यूज ग्राफिक कार्ड है, कम यूज ग्राफिक कार्ड है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, शुरू कर लें इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको चेक करना है कि ग्राफिक कार्ड माइंड है कि नहीं। क्योंकि अगर आप माइंड ग्राफिक कार्ड लोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो उसकी कोई लाइफ नहीं होती, वो कभी भी खराब हो सकता है। मानो आज चल रहा है, कल भी खराब हो सकता है, आपके फिर सारे पैसे हो जाएंगे बर्बाद। तो ज़्यादातर RX 470 या RX 480 होंगे, क्योंकि यही एक ग्राफिक कार्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा माइनिंग के लिए यूज हुए थे। तो अवॉइड करना इन ग्राफिक्स कार्ड। आपको चेक करने की माइंड ग्राफिक कार्ड माइंड है कि नहीं, तो मैं वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिक कार्ड माइंड है कि नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपको चेक करना है कि आपको बिल और बॉक्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिल और बॉक्स ज़्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि बंदा जेन्युइन है, ग्राफिक कार्ड उसने खुद ही खरीदा है। और अगर उस पर ये नहीं है, वो कहता है कि मैं कहीं और से शिफ्ट होकर आया, सिर्फ पीसी लाया, उसका डब्बे नहीं लाया, तो आप चेक करो कि उस पर ओरिजिनल पैकिंग है ग्राफिक्स कार्ड की, जिसमें वो ग्राफिक्स कार्ड के लोगो, मतलब कंपनी का लोगो बना रहता है पैकिंग के ऊपर। तो वो हो जाए तो फिर भी एक बार को मान सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड उसी का है। तो गाइस, थर्ड पॉइंट जो है उसमें यह है कि आपको सारे पोर्ट्स चेक करने की, उससे सारे पोर्ट्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड में काफ़ी सारे पोर्ट होते हैं, DVI, HDMI, VGA तक भी होते हैं। तो आपको सारे पोर्ट्स में एक बार कनेक्ट करके देखना है, क्योंकि अगर एक पोर्ट खराब हो जाता है ना, तो बाकी पोर्ट खराब होने में टाइम नहीं लगता है। और ये भी जरूर चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा एक ही पोर्ट में लगा लेता है कोई, और बाकी सारे पोर्ट ऐसे रखे रहते हैं, वो हो जाते हैं रस्ट। चेक करने की ग्राफिक कार्ड में रस्टिंग ना हो, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ग्राफिक कार्ड के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको चेक करना है कि जो ग्राफिक कार्ड के साथ केबल आई, जैसे कुछ ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जिनको एक्सटर्नल पावर चाहिए होती है 6 पिन या 8 पिन कनेक्टर से, क्योंकि थोड़े महंगे ग्राफिक कार्ड होते हैं, उनको ज़्यादा पावर मांगता है वो ग्राफिक कार्ड। तो उसमें जो केबल आती है वो ओरिजिनल आई है, क्योंकि ओरिजिनल केबल ही अच्छे से पावर सप्लाई कर पाती है। जो आप ऐसी केबल खरीद लाते हो मार्केट से, वो बेकार रहती है, अच्छे से पावर नहीं दे पाती। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर ये कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता। जैसे कि आपको हमेशा ग्राफिक कार्ड OLX वगैरह से बाय करना चाहिए, शॉप्स वगैरह से बाय ना करें तो बेटर है, क्योंकि शॉप्स वगैरह में होता है, वहाँ पे वो लोग ग्राफिक कार्ड को ठीक कर लेते हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा यूज ग्राफिक कार्ड होगा, उसके थर्मल पेस्ट चेंज करेंगे, ग्राफिक कार्ड को रिपेयर कर देंगे और आपको बिल्कुल नए की तरह बेच देंगे काफ़ी हाई प्राइस में, तो वो काफ़ी दिक्कत कर सकते हैं आपके लिए। मेरी मानो तो आप हमेशा OLX वगैरह से ही ग्राफिक्स कार्ड खरीदो। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई बहुत ही पुराना ग्राफिक कार्ड खरीद लो, मानो कोई 2 या 3 साल पुराना ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो, तो आप जरूर चेक करो कि उसका थर्मल पेस्ट ठीक है कि नहीं, क्योंकि 2 साल बाद वो थर्मल पेस्ट अगर ग्राफिक कार्ड यूज़ में है तो वो उसके बिल्कुल पापड़ सा बन जाता है, वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, आपको चेंज करना ही पड़ेगा खुद ही। तो उसके लिए आप कोई भी कूलर मास्टर वगैरह का ला सकते हो, कोई सस्ता वाला मत लाना, वो तो बिल्कुल ही बेकार रहता है। तो ज़रूर चेक करना कि आप ग्राफिक कार्ड का थर्मल पेस्ट किस कैसी हालत में है। अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड खरीदो और बंदा कह रहा है कि मेरा ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है बहुत टाइम से, वो उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो आप चेक करो उसके पीछे कोरोजन के निशान होंगे थोड़े वाइट वाइट से, वो ग्राफिक कार्ड खराब नहीं करते, वो बस बताते हैं कि ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है या यूज़ में। अगर वो ग्राफिक कार्ड रखा है तो उसमें आपको निशान दिखेंगे कोरोजन के, यूज है तो वो उसमें निशानी दिखेंगे, तो चेक कर लें जरूर कि ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है या यूज़ ज़्यादा है। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको हीटिंग इश्यूज से बचना होगा। आपको ये जरूर चेक करना है कि ग्राफिक कार्ड के फैंस वगैरह सारे वर्किंग कंडीशन में, क्योंकि फैंस अगर नहीं चलेंगे तो ग्राफिक कार्ड ठंडा कैसे होगा, तो वो चेक कर लें, क्योंकि फैंस वगैरह मिलते हुए बहुत मुश्किल से, कोई ग्राफिक कार्ड का फैन कोई नहीं रखता। तो आपको ये जरूर चेक कर लें कि ग्राफिक कार्ड का फैन गलती से भी खराब ना हो, वरना आपका बिल्कुल ग्राफिक कार्ड कभी भी बंद हो सकता है चलते चलते। तो गाइस, सेकंड लास्ट पार्ट ये है कि आपको चेक करना है कि ग्राफिक कार्ड में कोई स्टटर या ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही। ये एकदम से पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ी देर चलाना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए आपको अपना ग्राफिक कार्ड ऑन रखना पड़ेगा यूसेज पे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चलाओ सिनेबेंच R15, जो बिल्कुल ग्राफिक कार्ड का 100% निकाल लेता है उससे पावर। तो आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राफिक कार्ड में कितनी पावर है, या उसमें कुछ इशू है तो वो भी दिखा देगा, वो अपने आप ही ब्लैक स्क्रीन होकर होगी या स्टटर होगी। तो बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस, लास्ट पॉइंट सबके लिए वैलिड नहीं करता, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड खरीदो, ऑफिस वर्क्स के लिए नहीं या एडिटिंग के लिए नहीं, सिर्फ गेमिंग के लिए खरीद रहे हो, तो GT 710 या 730, 2GB, 4GB, 1GB कोई भी वेरिएंट इसका बाय मत करना। ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर सकता है। और GT 210 भी लोग 2000-3000 में बेचते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे गेमिंग के लिए। आपके नॉर्मल बस GTA 5 को रन कर देंगे, आपको 30 FPS ऊपर नहीं मिल पाएंगे। तो इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, ग्राफिक कार्ड बिल्कुल बेकार होते हैं। तो गाइस, यही थी वीडियो, होप आप इस पर सब पे गौर करें। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर दिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।